नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, इस साल चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, तो इसके लिए हम आए हुए हैं आज हरिद्वार में और यहाँ की एक फेमस ट्रैवल एजेंसी है कमला ट्रैवल्स, और इनसे जानेंगे कि सबसे सस्ते में चारधाम यात्रा किस तरह से करवाते हैं, कितने दिन लगते हैं और कहाँ से यात्रा को शुरुआत करते हैं और किस तरह से यात्रा को करवाएंगे। और बात की जाए इस ट्रैवल एजेंसी की, ये जो ट्रैवल एजेंसी है कमला ट्रैवल्स, ये हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, तो आप पैदल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ पर अपने लिए पैकेज बुक करवा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इनका एड्रेस और कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस साल 2024 में आना चाहते हैं चारधाम यात्रा पर और आप सिंगली इस यात्रा को करना चाहते हैं, सबसे सस्ते में इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो आप इस यात्रा को बस से कर सकते हैं। और इस टाइम मैं आया हूँ कमला ट्रैवल्स में, जानते हैं यहाँ पे इनका रेट कि कितने रुपए में ये यात्रा कराते हैं चारधाम यात्रा की बस से, क्योंकि तो सबसे सस्ते में यात्रा बस से ही होती है। तो भैया से जानते हैं कि यहाँ पे बस का क्या रेट बैठता है और किस तरह से यात्रा कितने दिनों में कराते हैं। तो भैया क्या हाल है? नमस्कार सर जी। तो भैया आप चारधाम यात्रा का पैकेज देते हैं? हाँ जी सर। तो सबसे सस्ता वाला पैकेज कितने से स्टार्ट होता है सर जी? इसमें सबसे सस्ता हमारी बस चलती है, इसमें 42 सीटर 32 एंड 27 सीट्स, ठीक है, जिसमें हर बस में अलग अलग रहता है। जैसे कि कहते 3x2 की बस है, उसमें समथिंग 5000 पर पर्सन का चार्ज है इस साल 2024 में, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अच्छी उसमें जाते हैं तो 2x2 पुश बैग है, तो उसमें ऐसे मान के चलिए 7000 पर पर्सन। अच्छा भाई, बस ठीक है। 9 दिन 10 दिन की यात्रा होगी बस में, ठीक है जी। हरिद्वार से हरिद्वार चार धाम, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार धाम आते हैं। हाँ। रिटर्न हरिद्वार लाके ड्रॉप करेंगे, मॉर्निंग 7 से 8 बजे हमारी बस निकलती है यहाँ से। तो सबसे सस्ते में किस टाइम पे ये यात्रा होती है, मतलब अगर कोई इससे भी सस्ते में करना चाहे तो क्या साधन रहेगा? करना चाहते हैं तो सर जी आप आइए अगस्त एंड सितंबर में। अच्छा, उस टाइम समथिंग मान के ऐसे आ जाएंगे 4000 से 4500 रुपये पर पर्सन। अच्छा, उस टाइम केवल 4000 तक में भी? हाँ, 4000 अगर रेट डाउन रहा 4000 तक में भी यात्रा हो जाएगी चारों धामों की? हाँ जी। अच्छा, जिसमें सबसे पहले हरिद्वार से यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ जी, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। और रास्ते में साइट सीन में आते हैं, इसमें आपको उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, पांच प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये पांच प्रयाग आएंगे। और रिटर्न में आपको ऋषिकेश कराते हुए हरिद्वार लाके ड्रॉप करेंगे आपको। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और भी है सस्ते में, मतलब जो अगर सिंगल पर्सन या एक दो लोग आते हैं तो उनके लिए सस्ते में? जी सर बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी में टेम्पो ट्रेवलर आता है हमारे यहाँ। अच्छा, जो 14 सीटर होता है, इसकी यात्रा 9 दिन की होती है चार धाम की, प्रोग्राम सेम होता है, बस डे कम हो जाते हैं और थोड़ी सी छोटी गाड़ी होती है, थोड़ा सा आराम से यात्रा करते हैं, उसमें थोड़ा बैठने की थोड़ी फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्राइस भी समथिंग वो आएगा 6500 से 7000 पर पर्सन, जिसमें आप केवल ये गाड़ी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, इसमें खाना रहना ये सब अलग अपने से खुद से करना होता है। खुद से करना होता है, बाकी हमारे ड्राइवर होते हैं वो आपको सब चीज अरेंज करके देंगे। अच्छा, जैसे कि कहीं रहना, मतलब एक गाइड कर देंगे कि कहां से सस्ता मिल जाएगा, कहां आपको रहना है, कहां खाना है। जी सर। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहां पर आकर अपने लिए सस्ते में पैकेज बुक करवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा, इसके अलावा मैंने इनकी लोकेशन आपको बता दी है, इनसे बात करवा दी है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो फ़ोन करके आप इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।